वाशिंगटन से खबर शामिल करते हैं जहां पर अमरीका ने कहा है कि ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल को एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम फ्राहम करेगा ताकि वो अपना दफा मज़बूत बनाए और अमरीकी फौजियों का तहफ़ यकीनी बनाया जाए खबर एजेंसी राइडर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागोन के तर्जमान पैट रॉइडर्स ने कहा है कि टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बैटरी की फ्राहमी से इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम मजीद मजबूत होगा अमरीकी सदर जो बैडन ने कहा है कि वह इसराइल को दफा के लिए सिस्टम भेज पैट रॉडर्स का कहना था कि वो वसी का दफादी के, एरान के लिए कर चुकी है। से कबल के वजीर खारजा अब्बास इरागजी ने खबरदार किया था कि अमरीका इसराइल में मिजाइल सिस्टम चलाने के लिए अपने फौजियों को तैनात करके उनकी जान खतरे में डाल रही है अब्बासराक्षी ने बयान में कहा था की हमने खिते में हालिया दिनों में जंग रोकने के लिए भरपूर इकदाम किए हैं और वाजिया करता हूँ कि अपने लोगों और मफादात के दफा के लिए हमारी कोई रेड लाइन नहीं है ख्याल रहे कि ईरान ने यकम अक्टूबर को इसराइल पर एक सौ अस्सी से ज्यादा बेलस्टिक मिजाइल बरसाए थे और इससे कबल अप्रैल में भी ड्रोन हमले किए थे ताहम इनमें से अक्सर मिजाइल नाकारा बना दिए गए थे